न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड इट वॉज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय एफ मीशर, ठीक है, तो एफ मीशर मतलब कि फ्रेडरिक मीशर नाम है उनका, ठीक है, तो एफ मीशर ने सबसे पहले किया था डिस्कवर, ठीक है, एज न्यूक्लियन, इन्होंने इसको न्यूक्लिक एसिड नहीं कहा, न्यूक्लियन कहा, बट लेटर ऑन अल्टमैन, ठीक है, अल्टमैन कॉल्ड इट एज, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, लेकिन बाद में अल्टमैन ने इसको क्या नाम कहा, तो एफ मीशर ने इसका नाम न्यूक्लियन कहा था, बट लेटर ऑन इसका नाम न्यूक्लिक एसिड कहे कौन, अल्टमैन ने, ठीक है, तो फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एफ मीशर, ठीक है, एज न्यूक्लियन, बट न्यूक्लिक एसिड टर्म वॉज गिवन बाय अल्टमैन, ठीक है, नेक्स्ट, नाम से लग रहा है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, तो इट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ सेल, तो सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, तो उस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, नाम से लग रहा है न्यूक्लियस, और एसिड मतलब पीएच क्या हो गया, अगर 7 होता है तो न्यूट्रल, 7 से कम है तो दैट इज एसिडिक, और 7 से ज्यादा है तो अल्कलाइन बेसिक, तो पीएच क्या होगा, 7 से कम होगा, ठीक है, मीन्स पीएच ऑफ दिस न्यूक्लिक एसिड इज दैट इज लेस देन 7, ठीक है, सेकेंड, इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, क्या का पॉलीमर है ये, न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, तो हम एक तरह से कह सकते हैं ये क्या है, पॉली न्यूक्लियो एक लाइन में, इट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड मिल गया तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, अब ये न्यूक्लियोटाइड जो देखेंगे, ठीक है, दिस न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3 components, तो ये न्यूक्लियोटाइड जो देखते हैं ये 3 components के बने होते हैं, ठीक है, तो कौन कौन से 3 components हैं वो देखते हैं, तो ये देखिए, इट इज मेड अप ऑफ 3 components, ठीक है, ये तो इट इज मेड अप ऑफ, ईच न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3 components, ठीक है, तो 3 components के बने होते हैं, पहला जो कंपोनेंट है उसको कहते हैं नाइट्रोजिनस बेस, क्या कहेंगे उसको, नाइट्रोजिनस बेस, शॉर्ट में हम एनबी कर सकते हैं, ठीक है, एनबी मींस नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है, सेकेंड जो होगा कंपोनेंट उसको कहते हैं दैट इज शुगर, तो ये शुगर जो देखे थे कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड्स हैं, और मोनोसैकेराइड में भी कितने कार्बन का, 5 carbon का शुगर, तो पेंटोज कहते थे, तो ये जो है सेकेंड जो है ये बना हुआ है पेंटोज शुगर का, ठीक है, तो ये हो गया पेंटोज शुगर, ठीक है, और थर्ड जो देखेंगे ये क्या का बना है, ये थर्ड देखेंगे ये फॉस्फेट का बना है, और फॉस्फेट किस फॉर्म में होता है, फॉस्फेट इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में होता है, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड का कहने का मतलब क्या हुआ, इसका फॉर्मूला होता है H3PO4, ठीक है, किस फॉर्म में, H3PO4 के फॉर्म में फॉस्फोरिक एसिड, इसको हम ये भी कह सकते हैं इट इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, पहला, दूसरा पेंटोज शुगर, एंड थर्ड इज फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट भी हम कह सकते हैं सिंपल, ठीक है, तो ये पेंटोज शुगर है मतलब कितने कार्बन का शुगर है, पेंटोज शुगर मीन्स 5 carbon का शुगर है, ठीक है, पेंटोज शुगर, ठीक है, अब हम देखते हैं नाइट्रोजनस बेस, तो ये नाइट्रोजनस बेस जो होगा इसमें, ठीक है, ये 2 तरह के इसमें नाइट्रोजनस बेस होते हैं, कितने तरह के, 2 तरह के, एक को कहते हैं प्यूरीन, One is known as purine, ठीक है, P-U-R-I-N-E-S, purines, ठीक है, और दूसरा जो होगा उसको हम कहते हैं pyrimidine, ठीक है, second is known as P-Y-R-I-M-I-D-I-N-E-S, ठीक है, तो 2 तरह के इसमें नाइट्रोजनस बेस है,
ठीक है, नेम द नाइट्रोजन स्पेस विच इज प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड, तो प्यूरीन एंड पैरामिडीन। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर क्या है प्यूरीन और पैरामिडीन में, तो देखते हैं। ठीक है, तो अंतर क्या है अगर पूछेगा तो प्यूरीन और पैरामिडीन में अंतर, तो फर्स्ट आप कहेंगे, फर्स्ट विल से कि प्यूरीन में जो होता है, एक प्यूरीन में दो रिंग का स्ट्रक्चर है, इट इज अ टू रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें दो रिंग के स्ट्रक्चर है, कितने रिंग्स हैं, दो रिंग, और ये जो देखेंगे इट इज अ सिंगल रिंग, इसमें कैसा रिंग होता है, सिंगल रिंग होते हैं इसमें, तो इट इज अ सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो दो रिंग है और ये कैसा है, सिंगल रिंग। ठीक है, अब ये सिंगल रिंग दो रिंग, अब यहां हम देखते हैं ये जो सिंगल रिंग है ये हम इस तरह बना रहे हैं, ये देखिए ऐसे होता है सिंगल रिंग। ठीक है, तो ये जो सिंगल रिंग जो देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं प्यूरीन है इधर, और इधर पायरामिडीन, तो इसको कहते हैं पायरीमिडीन, दिस इज नोन एज पायरामिडीन रिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, पायरामिडीन रिंग। ठीक है, और ये पायरामिडीन रिंग ये बना है एक, और ये जो देख रहे हैं कितने रिंग का है, दो, तो दो रिंग तो है, एक देखिए ये क्या है, सेम है, ठीक है, सेम रिंग है ना, तो ये देखिए ये लीजिए ये सेम रिंग है। ठीक है, तो सेम रिंग कैसा हो गया, तो ये भी क्या कहेंगे, इट इज मेड अप ऑफ सेम रिंग, तो इसको कहते हैं पायरामिडीन रिंग। ठीक है, तो इसमें पायरामिडीन रिंग तो होगा ही होगा, ठीक है, सेम उसी तरह का। ठीक है, और इसमें एक और रिंग होता है इस तरह का ऐसे। ठीक है, तो ये जो रिंग होता है ना, इसको कहते हैं इमिडाजोल रिंग, कौन सा रिंग, इमिडाजोल, दिस इज नोन एज IMIDAZOLE इमिडाजोल रिंग। ठीक है, तो ये दो रिंग का स्ट्रक्चर है, कौन कौन सा दो रिंग का स्ट्रक्चर है, तो ये है पिरिमिडीन रिंग एंड इमिडाजोल रिंग। ठीक है, इसमें कौन सा है, इट इज मेड अप ऑफ ओनली पायरामिडीन रिंग। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा डिफरेंस हम, तो इसको हम बोल्ड कर दे, ये लीजिए पहला हो गया ये डिफरेंस, यहां पर क्या है। ठीक है, दूसरा देख रहे हैं टोटल पोजीशंस। ठीक है, तो इसमें टोटल पोजीशंस कितने हैं, टोटल पोजीशंस देखेंगे, तो इसमें टोटल पोजीशन कितने हैं यहां पर, तो इसका नंबरिंग कैसे करते हैं ध्यान देंगे, यहां देखिए यहां से नंबरिंग वन, ठीक है, दिस इज वन, दिस इज टू, ये वाला थ्री, ये वाला फोर, ये वाला फाइव, ये वाला सिक्स, ये सेवन, ये एट, ये नाइन। ठीक है, टोटल पोजीशन इसमें कितने हैं इस तरह नंबरिंग नाइन। ठीक है, टोटल पोजीशन नाइन है। ठीक है, अब इसमें देखिए पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन देखते हैं, पोजीशन ऑफ एन, एन मतलब नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन यहां पर ध्यान दीजिएगा पहला पर होता है, किसमें होता है, फर्स्ट, तो ये देखिए ये फर्स्ट है ना, यहां पर नाइट्रोजन होगा, थर्ड पर नाइट्रोजन होगा, सेवंथ पर नाइट्रोजन होगा, नाइन्थ पर नाइट्रोजन होगा, तो पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, वन थ्री सेवन नाइन। ठीक है, और जो बच गया, ठीक है, और जो बच गया है वो क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ कार्बन, तो वन है तो टू नहीं है, थ्री फोर फाइव सिक्स एट, ये सब क्या हुआ, यहां पर अंडरस्टूड है कार्बन है। ठीक है, उसी तरह यहां पर देखेंगे इसमें, तो इसमें पोजीशन टोटल इतना था, तो इसमें टोटल पोजीशंस कितने होंगे पायरामिडीन में, टोटल पोजीशंस कितने हैं इसमें बताएं, तो सिक्स है ना, लेकिन अब देखिए इसके अनुसार नंबरिंग वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स था, लेकिन हम नंबरिंग यहां से करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक है, तो टोटल पोजीशन कितने हैं, सिक्स, यहां पर नाइन था, यहां पर कितना है, सिक्स। सेकेंड देखेंगे, ठीक है, इसमें पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं, क्या है पोजीशन ऑफ एन, तो पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन कितना था, यहां पर देखिए एक तीन सात नौ, ठीक है, तो एक पर होगा, तीन
और 7-9 तो है ही नहीं इधर, ठीक है, तो नहीं होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 1 पर नाइट्रोजन, 3 पर नाइट्रोजन, और सब जगह क्या हो गया कार्बन। तो ये लीजिए पोजीशन ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा 2, 4, 5 और 6, ठीक है। और सब जगह क्या है यहां पर, तो ये देखिए 1, 3, 7, 9 पर नाइट्रोजन, और सब जगह क्या है जहां जहां बचा हुआ सब क्या हो जाएगा कार्बन, ठीक है। 1 और 3 पर नाइट्रोजन और सब जगह कार्बन, ठीक है। तो इस तरह का बैकबोन है। अच्छा ये बताइए कि इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, ज्यादा होगा ना, तो ये हाई मॉलिक्यूलर वेट, हाई मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, ज्यादा वजन ज्यादा होगा इस मॉलिक्यूलर वेट इसका, ठीक है, क्योंकि दो रिंग का बना है। और ये क्या हुआ लो मॉलिक्यूलर वेट है, तो जो भी पिरिमिडीन होंगे उनका मॉलिक्यूलर वेट लो होगा, ठीक है। अब ये एक ये हो गया, अब इसमें एग्जांपल्स याद रखने हैं कुछ प्यूरिन के नाम, ठीक है, याद रखने हैं जो कि क्या होते हैं प्यूरिन्स कहलाते हैं, ठीक है। उसी तरह कुछ एग्जांपल्स याद रखने हैं जो कि क्या है पैरामिडीन है, ठीक है, तो ये याद रखना है। तो इसमें एग्जांपल याद रखिएगा प्यूरिन में, ये होता है एडेनिन, एडेनिन, ठीक है, एडेनिन, एडेनिन, ठीक है, और ग्वानिन, ठीक है, तो एजी याद रखेंगे एडेनिन एंड ग्वानिन, तो एजी, ठीक है, तो एजी इज एडेनिन एंड ग्वानिन, तो इसको हम लिख दे रहे हैं ए जी, ठीक है, एडेनिन एंड ग्वानिन। उसी तरह इसमें एग्जांपल क्या होगा, तो इसमें तीन एग्जांपल्स याद रखे हैं, ठीक है, इसको कहते हैं साइटोसिन, ठीक है, इसके बाद होता है यूरेसिल, यूरेसिल, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो एग्जांपल याद रखना है थर्ड, इसको कहते हैं थाइमीन, THYMINE, ठीक है। तो याद रखेंगे कि कुछ प्यूरिन का नाम बताइए, तो प्यूरिन के एग्जांपल एडेनिन और ग्वानिन, कुछ पिरिमिडिन के नाम बताइए नाइट्रोजनस बेस, तो साइटोसिन CYTOSINE, इसके बाद URACIL यूरेसिल और THYMINE थाइमीन, ठीक है। तो ये तीन नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन है, देख रहे हैं दो प्यूरिन है और तीन पैरामिडीन, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो इसको कैसे याद रखेंगे CUT कट, ठीक है, तो कट जो है याद रखिएगा क्या है पैरामिडीन है, इसमें सिंगल रिंग होगा और एजी में डबल रिंग होगा, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद दूसरा क्या है पेंटोज शुगर, तो सेकेंड इज पेंटोज शुगर, तो कितने कार्बन का होगा 5 कार्बन का शुगर पेंटोज शुगर, ठीक है, तो 5 कार्बन का है। तो ये पेंटोज शुगर जो देखेंगे, ठीक है, पेंटोज शुगर ये कितने 5 कार्बन का है, तो ये 5 का दो तरह का होता है ये शुगर, ठीक है, ये शुगर दो तरह का, एक जो है इसको हम कहते हैं डेट इज नोन एज राइबोस, और एक को कहते हैं डीऑक्सी राइबोस, ठीक है, तो दो तरह का शुगर होता है राइबोस और डीऑक्सी राइबोस, ठीक है। तो राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर, राइबोस शुगर देखे थे वहां, तो ये इसका देखेंगे स्ट्रक्चर, तो इस तरह स्ट्रक्चर है राइबोस का, ये देखिए ऐसे बताया था ना बैकबोन इस तरह का, ठीक है, यहां पर OH H, ठीक है, एक तो कार्बन कितना होगा 5 ना, तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन है, यहां पर 5 कार्बन है, यहां क्या होगा CH2OH 5 कार्बन का हो गया, यहां पर HOH OH है, यहां पर H, ठीक है, यहां पर देखेंगे OH, इसके ऊपर H, यहां पर देखेंगे H, यहां पर OH एंड सो ऑन, इस तरह से, ठीक है, ये हो गया राइबोस। तो राइबोस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है, मोनोसैकेराइड्स है तो CnH2n, तो C5H10O5, ठीक है, CnH2n मोनोसैकेराइड्स का बताए थे, तो ये मोनोसैकेराइड ही तो है 5 कार्बन का, तो ये हो गया, ठीक है। उसी तरह डीऑक्सीराइबोस में क्या होता है, सेम यही स्ट्रक्चर है,
ठीक है। तो इसी स्ट्रक्चर को हम बना रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखेंगे, ये सेम स्ट्रक्चर बनाया है, ये देखिए यहां OH है, यहां H, यहां पर OH है, यहां पर H, जो स्ट्रक्चर है हम सेम बना दिए हैं। यहां पर क्या है OH, यहां पर CH2OH और यहां पर H, देखिए सेम स्ट्रक्चर हम बना दिए, जो यहां है वही बना दिए। तो राइबोस तो C5 S10O5 हो गया, लेकिन इसमें अंतर क्या है देखिए ध्यान, यहां पर OH है, क्या है यहां पर OH, यहां पर OH जो है मतलब कौन सा सेकेंड कार्बन है ना, ये कौन सा हो गया, ऐसे देखिए यहां इसका है इसका, तो ये देखिए फर्स्ट कार्बन था, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन और ये फिफ्थ, ये है ना। तो यहां देखिए 1 2 3 4 5 ठीक है, तो ये देखिए पांच कार्बन है, और हम क्या करते हैं 1 2 नहीं करते हैं, हम यहां पर ऐसे लिखते हैं 1' 1' लिखते हैं नंबरिंग, 2', 2', 3', 4' और 5' यूज करते हैं हम, इसमें इसमें हम क्या यूज किए थे 1 2 3 4 कार्बन का, लेकिन यहां पर प्राइम, तो ये 1' कार्बन, सेकंड 2', 3', 4' और 5', 5' कर सकते हैं हम, ठीक है 4', 3'। तो यहां पर अंतर कहां पर होता है, देखिए सेकंड कार्बन पर अंतर है, ठीक है। तो सेकंड कार्बन पर राइबोस शुगर में क्या है OH है, लेकिन इसमें क्या है राइबोस तो है लेकिन डीऑक्सी, तो नाम से लग रहा है ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन हटा हुआ, ठीक है ऑक्सीजन हटा हुआ, डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन हटा हुआ, लेकिन कहां से हटा हुआ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो यहां पर भी है, ऑक्सीजन यहां भी है, ऑक्सीजन यहां भी, सभी जगह ना ऑक्सीजन, तो कहां से हटा है ये 2' कार्बन से हटा है ना, तो इसीलिए ज्यादा अच्छा क्या होगा 2' डीऑक्सीराइबोस शुगर कहेंगे इसको, ठीक है 3' नहीं कहेंगे, 4' नहीं कहेंगे, 2' जब भी डीऑक्सीराइबोस का है तब समझ लेंगे कि डीऑक्सीराइबोस कहां पर है 2' पर है, ठीक है। तो ये हो गया 2' पर, ये क्या हटा हुआ है 2' पर, क्या हटा हुआ है ऑक्सीजन, तो ये देखिए क्या हो गया यहां पर जो था OH, ये क्या हो गया H, तो अंतर क्या है यहां पर, अंतर यहीं पर है बस, OH है इसमें यहां पर ये, ठीक है। तो ये डीऑक्सीराइबोस, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, तो सब चीज वही रहेगा C5H10, O एक कम हो गया है तो O4, अंतर यही है, ठीक है। तो डीऑक्सीराइबोस, तो इस तरह का ये राइबोस शुगर जो दिख रहा है ये वाला, इस तरह का स्ट्रक्चर ये आरएनए में पाया जाता है। अभी हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक को कहते हैं डीएनए और एक को कहते हैं आरएनए, क्या कहते हैं, एक को डीएनए एक को आरएनए। तो ये आरएनए जो है इसमें ये पाया जाएगा शुगर, और जो डीएनए है ठीक है उसमें ये पाया जाएगा, ठीक है। तो डीएनए, तो इसका फुल फॉर्म भी पढ़ेंगे राइबोस, तो राइबोस शुगर है ना, राइबोस शुगर है तो इसीलिए राइबोस, ठीक है राइबो, राइबोस है तो राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड ये है राइबो, ठीक है। और ये क्या है, कौन सा डीऑक्सी राइबो शुगर है ना, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसको कहते हैं। तो दो तरह का न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे डिटेल में, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाएगा 2' डीऑक्सीराइबोस शुगर, आरएनए में कौन सा पाया जाएगा, आरएनए में राइबोस शुगर पाया जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, तो पेंटोस शुगर दोनों पांच कार्बन का है लेकिन इसमें एक ऑक्सीजन, तो डीऑक्सीराइबोस शुगर कह सकते हैं क्या, इट इज अ शुगर विच लैक्स, इट लैक्स क्या, इट लैक्स ऑक्सीजन एटम एट कौन सा कार्बन 2' कार्बन ऑफ कौन सा शुगर राइबोस शुगर, ठीक है। तो जो भी राइबोस शुगर है ठीक है उसमें ऑक्सीजन एटम सेकेंड कार्बन पर ये क्या होता है नहीं होता है, तो यहां देखिए सेकेंड पर OH है, यहां पर H है O हट गया है, अंतर इतना, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड जो देखेंगे इसका स्ट्रक्चर दिखेंगे हम, तो कैसा होता है ये फॉस्फोरिक एसिड, ये देखिए पी ओ ओ एच ओ एच ओ एच इस तरह, ठीक है। तो ये देखिए H3 हो गया, H3PO4, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, OH है ना मतलब O इससे H, अलग अलग भी लिख सकते हैं OH, ठीक है। तो इसीलिए हम लिखते हैं O इससे H, तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं सीधे OH OH इस तरह, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड।
ठीक है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड तीन चीज का बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर्स हो गए, ठीक है। तो ये हो गया प्यूरीन, पाइरिडीन, राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस सुगर और फॉस्फोरिक एसिड का बना हुआ है, ठीक है। ये हो गया, लिख लीजिए।